हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आए हुए हैं, तो गाइस ये देख रहे हो, ये है इस्कॉन टेंपल मायापुर। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। मेरा प्रयास था कि मैं भी श्री कृष्ण के दर्शन करूं, वृंदावन जाऊं या फिर मथुरा जाऊं, वो तो हो नहीं सका दोस्तों। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन ज़रूर जाऊंगा। श्री कृष्ण का बुलावा आया और मैं मायापुर चला आया। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के विश्वास से और आप लोगों का जो जितना भी प्रेम मिला है, बहुत ही अद्भुत है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है दोस्तों कि जिस चीज़ को आप सच्चे मन से चाहते हैं, वो चीज़ एक दिन आपके दर्शन में होगा ही होगा। और वही आज मेरे साथ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं कर्म का सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। ना मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, ना मैं किसी का बुरा करने के बारे में सोचता हूँ, ना करता हूँ। मेरे परिवार में सब कुछ सुखी हैं, प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। भगवान श्री कृष्ण की दुआ से बहुत कुछ अच्छा हो, यही चाहता हूं। और बस आप लोगों का सपोर्ट रहे, विश्वास रहे, और आप लोग बस यही हमें सपोर्ट करने की कोशिश करो कि हम लोग आगे बढ़ सकें, हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम लोग फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को सोच सके, रिसर्च कर सके और इस चैनल पर डाल सके और हमारा चैनल सक्सेस कर सके। यहाँ सर मैं अच्छी मन्नत लिया हूँ और अपना चैनल का नींव डालने की इस बार अच्छा प्रयास करने की कोशिश किया हूँ, लाइफ में मेहनत करने की कोशिश किया हूँ। और जो भी है, प्रयास अब रेगुलर चलेगा दोस्तों, जिस तरह चलना है। पहला शुरुआत श्री कृष्ण के नाम से हो रहा है दोस्तों। चैनल पर कोई हाई एडिट नहीं होगा दोस्त, और जितने भी वीडियोस आएंगे कटिंग पेस्टिंग होगा, तो इसके लिए मतलब मेरे ऑडियंस नाराज़ मत होना। और हम लोग सारा वीडियो जो है अच्छे से बनाऊंगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करूंगा। गाइस, ब्लॉग बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग ने हौसला नहीं हारा है। ग्रो फिटनेस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, प्लीज़ इस बार जो मायापुर का जो वीडियो है, इसको खूब सारा सपोर्ट देने की कोशिश करो दोस्त। क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ का जो संस्कृति है, हमारे गाँव से जुड़ा हुआ है, हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे रसिया से, मलेशिया से, बहुत सारे दूर दूर से बहुत लोग आ रहे हैं हमारी संस्कृति को देखने के लिए। आप जान सकते हैं कि मतलब क्या बताऊं कि यहाँ की संस्कृति इतनी अद्भुत है। आगे आप ब्लॉग देखो, यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों, तो फाइनली अब हम लोग आए हैं गौशाला। यहाँ की गौशाला का एंट्री गेट है और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, हमारी गाय माता है। बहुत सारी सीन्स हैं यहाँ पर जो आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत दूर तक यहाँ बहुत बड़ी गौशाला है दोस्तों, गौ सेवा होती है और गौ का सेवा हमेशा करना ही चाहिए।
दोस्तों ये है डिजिटल थिएटर। यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं शोज होते होंगे, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बट आपको दिखा देता हूँ अंदर से जाकर। देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा डिजिटल थिएटर। अभी तो बंद है दोस्तों, बाहर से ही इन वादियों की खूबसूरती को हम लोग पहचान रहे हैं। थोड़ा सीढ़ी पर चढ़ लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ की खूबसूरती, मायापुर की खूबसूरती देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड है, अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर बाहर का वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ऑडियंस कोऑपरेट करें और हम लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे वीडियोस बनाना मना है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि बाहर का वीडियोज़ बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ की आप खूबसूरती देख रहे होंगे। ब्लॉग को कंप्लीट करने के लिए पर डे मेहनत करना पड़ता है, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, लेकिन जो है ब्लॉग अब कंप्लीट होगा और आप देख सकते हो। कभी मेरे लिए कभी मालपुए, कभी कभी बना देना, आज से मेरा मालपुआ तेरा हो गया। बोली किला मेरे घर ही था।